जीके टुडे करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस में हम बात करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कहां पर किया गया? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए साहिबगंज झारखंड, विकल्प बी पटना बिहार, विकल्प सी आगरा उत्तर प्रदेश, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साहिबगंज झारखंड। आइए अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में झारखंड में गंगा नदी पर निर्मित भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इसकी लागत राशि की बात करें तो ये 990 करोड़ रुपए की लागत राशि है। यह टर्मिनल जलमार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा नदी पर निर्मित भारत के तीन टर्मिनलों में से दूसरा है। पहला टर्मिनल वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल है जिसका उद्घाटन नवंबर 2018 में किया जा चुका है। साहिबगंज में जो ये टर्मिनल निर्मित हुआ, जो उसकी खास बात है कि ये झारखंड और बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोलेगा, साथ ही जल मार्ग के साथ साथ भारत नेपाल कार्गो को भी कनेक्टिविटी देगा। वहीं दूसरी तरफ यह सड़क रेल नदी परिवहन योजना को भी लिंक करेगा तथा कोलकाता एवं हल्दिया को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा, साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अपने विस्तार के बाद यदि इसकी हम वार्षिक क्षमता की बात करें, वर्तमान में 30 लाख टन है फिलहाल वार्षिक इसकी, लेकिन अपने टर्मिनल के विस्तार के बाद ये 54.8 लाख टन हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न, 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 यानी WEC का आयोजन किस देश में हुआ? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए इस्तांबुल, विकल्प बी आबूधानी, विकल्प सी रोम, विकल्प डी वियना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी आबूधानी। आइए अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। आबूधानी में 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 का आयोजन किया जिसकी थीम थी समृद्धि के लिए ऊर्जा। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार, शिक्षाविदों, मीडिया और राज्य निगमों सहित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा के हितधारक देशों को एक साथ एक मंच पर लाना या उन्हें एक मंच प्रदान करना। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस क्या है, इसके बारे में हम एक लाइन में चर्चा करेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित विकास पर मंत्रियों, नीति निर्माताओं, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारियों एवं उद्योग चिकित्सकों को एक संवाद के रूप में स्थापित करना या उनके बीच एक संवाद स्थापित करने के लिए वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, DRDO द्वारा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफल परीक्षण हाल ही में किस स्थान पर किया गया? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए केरल, विकल्प बी जैसलमेर, विकल्प सी कुर्नूल, विकल्प डी पोखरण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कुर्नूल। सितंबर 2019 में DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में किया। हम इस मिसाइल की बात करें, पूर्णतः देश में निर्मित मिसाइल है तथा दागो और भूल जाओ की तकनीकी पर यह काम करती है। यह मिसाइल अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमर्जिंग सीकर्स एंड एडवांस एविएशन टेक्निक पर काम करती है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसे सेना में शामिल भी किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए रणदीप मुरजेवाला, विकल्प बी अधीर रंजन चौधरी, विकल्प सी मल्लिकार्जुन खड़ंगे, विकल्प डी दियादास मुंशी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के ये विपक्ष के नेता हैं जिन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोक लेखा समिति का समिति में कितने मेंबर होते हैं हम देखते हैं। टोटल 25 मेंबर होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होंगे और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे। और एक परंपरा बनी हुई है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा विपक्षी दल से ही बनाया जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस राजनेता ने हाल ही में LCA तेजस यानी जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है उससे उड़ान भरी? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए राजनाथ सिंह, विकल्प बी किरण सिंह, विकल्प सी निर्मला सीतारमण, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री बने हैं जिन्होंने तेजस से उड़ान भरी है। तेजस से उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं, यह एयर वाइस मार्शल नरमेंद्र तिवार के साथ इन्होंने बेंगलुरु से एलसीए तेजस के साथ उड़ान भरी जो लगभग 30 मिनट की थी। अभी हाल ही में किसी वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? हमारे विकल्प हैं विकल्प ए राकेश कुमार सिंह भदौरिया, विकल्प बी रंजन सिंह, विकल्प सी नितिन प्रताप, विकल्प डी रंजन सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। राकेश कुमार भदौरिया जिन्हें वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है वो एयर मार्शल हैं और बी एस धनोआ की जगह वो अपॉइंट किए गए हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया को 1980 में वायुसेना में कमीशन किया गया था तथा अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी पदों पर उन्हें नियुक्ति मिली, जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट भी रहे हैं, सेंट्रल एयर कमांडेंट में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के पद पर भी उन्होंने कार्य किया है और वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वर्तमान में हैं वो। एमआईएस पोर्टल, हमारा अगला प्रश्न है एमआईएस पोर्टल यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को किस अभियान के संचालन के लिए लॉन्च किया गया है? हमारे विकल्प हैं विकल्प ए सुगम्य भारत अभियान, विकल्प बी स्वच्छ भारत अभियान, विकल्प सी मेक इन इंडिया या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सुगम्य भारत अभियान। एमआईएस पोर्टल को सुगम्य भारत अभियान के लिए लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस का विकास किया है जो मुख्यतः राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की नोडल एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। हम बात करें कि सुगम्य भारत अभियान क्या है। नॉर्मली दिव्यांगों को फोकस करते हुए इस प्रोग्राम को 3 दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करना यानी उन्हें स्कूल, अस्पतालों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों की आवाजाही को निर्बाध बनाना। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय वायु सेना द्वारा हाल ही में किस स्थान पर विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG का उद्घाटन किया गया है? हमारे विकल्प हैं विकल्प ए उत्तराखंड, विकल्प बी पंजाब, विकल्प सी अरुणाचल या फिर विकल्प डी केरल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन अरुणाचल के चांगलांग जिले में किया है जो चीन की सीमा से सटा हुआ आपका जिला है। इसका उद्घाटन एयर मार्शल डी आर माथुर तथा ईस्टर्न आर्मी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया। विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के बारे में बात करें कि चीन के साथ लगी सीमा के निकट का क्षेत्र है जहां पर सैन्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से एक्टिव किया है ताकि एयरक्राफ्ट का संचालन बेहतर बेहतर तरीके से किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न, डाक विभाग द्वारा हाल ही में 6 देशों यानी एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? हमारे विकल्प हैं विकल्प ए स्पीड पोस्ट सेवा, विकल्प बी एक्सप्रेस मेल सर्विस, विकल्प सी पोस्ट सेवा, विकल्प डी स्पीड सेवा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए स्पीड पोस्ट सेवा। हम इसके एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं। केंद्रीय सूचना मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 6 नए देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की है। वो 6 देश हैं बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राजील, इक्वेडोर, कजाकिस्तान, लिथुआनिया तथा नॉर्दर्न मैसिडोनिया है जिसके साथ ये स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की है। इन देशों के लिए देश भर के प्रमुख डाकघरों में एक्सप्रेस मेल सर्विस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में भारतीय डाक सेवा लगभग 100 देशों के लिए ये स्पीड सेवा मुहैया करा रही है। एक्सप्रेस मेल सर्विस क्या है यदि हम इसके बारे में एक लाइन में चर्चा करें
तो ये एक प्रीमियम बेस सेवा है। इसके द्वारा यूजर कम समय में दस्तावेज तथा मर्चेंडाइज भेज सकते हैं। इसमें वस्तु को इंटरनेट पर ट्रैक भी किया जा सकता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए मोतीबाग, विकल्प बी रामबाग, विकल्प सी हजारीबाग या फिर विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मोतीबाग। मोतीबाग भारतीय किसान के जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो मुख्यतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के किसानों की स्थिति को दर्शाती है। और इसका जो मुख्य मुद्दा है कि पलायन की माल झेल चुके पहाड़ों में जो दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा फिर से जो किसानों ने हरियाली वहां पर वापस लौटाई है, इसी मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री बनी है। फिल्म को केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव में भी प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। और यदि हम इसके डायरेक्टर की बात करें तो निर्मल चंद डंडियार द्वारा इस पिक्चर को निर्देशित किया गया है।